दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे, यहाँ पे जो है जयपुर ने एक ऑफिशियल यहाँ पे एक ये लेटर यहाँ पे जारी किया है। इसके अंदर उन्होंने जो है यहाँ पे 75 कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट किया है, और उन्होंने क्या गलती की थी कैंडिडेट को जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कट ऑफ वगैरह भी क्लियर कर लिया था, सारा कुछ इनका सही था, फिर भी इन्होंने कुछ छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पे की थी, जैसे कि कुछ लोगों ने गलतियां की थी फॉर्म भरते टाइम, और कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे एग्जाम देते टाइम कुछ गलतियां की है, और कुछ लोग जो है यहाँ पे डीवी के अंदर कुछ गलतियां की है। तो देखिए दोस्तों, इन जो 75 कैंडिडेट है ये तो यहाँ से बाहर हो ही गए हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप लोग जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, अगर वो इन फ्यूचर किसी भी वैकेंसी में अगर फॉर्म डालते हैं तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, जो जनरली अपन यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, और वो चीजें जो है बाद में अपनी जॉब के ऊपर बनाती है और उसकी वजह से अपने को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। तो इनमें से भी कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शुरू में जो है फॉर्म डालते टाइम या थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उन्होंने गलत जानकारी यहाँ पे दे दी थी, और जिसकी वजह से फाइनल इनका यहाँ पे मेरिट उन्होंने क्लियर कर ली थी, सारा कुछ इनका ठीक था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतियां यहाँ हुई है जिसकी वजह से इनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो आप जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी फॉर्म डालो, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म डालो, उसमें सारी कुछ जानकारी अच्छे से आप देख लेना, और साथ ही जो है यहाँ पे इन लोगों ने, मैं वन करके बताता हूँ इनमें इन लोगों ने क्या गलतियां की थी, इन सभी गलतियों से अपने वहाँ पे बचना है। और दोस्तों क्योंकि जॉब जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इन लोगों के हाथ में आई हुई जॉब जो है छिन गई है, तो एक यहाँ पे बहुत दुख होना है, एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गलतियां जो है इनसे ही हुई कैंडिडेट से, और आप लोग ये गलतियां ना करो, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो है कुछ मार्क्स रह गए थे, कुछ पॉइंटों से रह गए थे यहाँ पे, तो उनका भी यहाँ पे एक उम्मीद जगी है, हालांकि इन लोगों के लिए जो बाहर हुए इनके लिए तो बैड न्यूज है, लेकिन इनकी वजह से जो है यहाँ पे फिर से 75 जो है कैंडिडेट यहाँ पे नए उठाएंगे, तो इससे जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम होने के चांसेस है। तो जो भी लोग जो है एकदम बॉर्डर पे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब इसे देख लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी दोस्तों, और ये गलती अपने को यहाँ पे नहीं करनी है। तो देखिए पहला कैंडिडेट जो है इसने रिजेक्टेड ड्यू सिग्नेचर मिसमैच, देखिए इसने सिग्नेचर मिसमैच किया इनके, आप सभी लोगों को जैसे पता है फॉर्म में अलग सिग्नेचर होते हैं, और फिर आप सीबीटी फर्स्ट में आप सिग्नेचर होंगे, सीबीटी सेकंड में फिर सिग्नेचर होंगे, या फिर डीवी वगैरह में बहुत सारे सिग्नेचर होंगे, तो इसमें जो है इसके सभी जगह सिग्नेचर सेम नहीं रहे होंगे, इस वजह से इसको यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। इसके बाद सेकंड कैंडिडेट को जो है रिजेक्टेड ड्यू टू कैपिटल सिग्नेचर, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में कभी भी सिग्नेचर नहीं करना है, स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर की वजह से इसको जो है बाहर कर दिया गया है। इसके बाद में थर्ड को जो है यहाँ पे सेल्फ रिफ्यूजल, तो इन्होंने तो अपने खुद से मन से भाई में ग्रुप डी की जॉब नहीं करनी है। इसके बाद में रिजेक्टेड ड्यू टू एससी एसटी मिसमैच, तो देखिए अगर एससी का कैंडिडेट होगा उसमें फॉर्म भरते टाइम एसटी वहाँ पे डाल दिया गया, या एसटी वाले ने एससी डाल दिया, या ओबीसी वाले ने एसटी, कुछ भी कैटेगरी अगर इन्होंने गलत डाल दिया, तो कैटेगरी मिसमैच होने की वजह से इस भाई को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इसके बाद में डीओबी का मिसमैच की वजह से भी इनको बाहर किया गया है, जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों डीओबी में अगर अपने कोई गड़बड़ है तो उसके लिए एफिडेविट लग जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है इस भाई ने जो एफिडेविट यहाँ पे दिया नहीं होगा, या फिर जो आरआरसी जयपुर ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन एक्सेप्ट करने वाली बात तो मेरे मतलब जम नहीं रही क्योंकि दोस्तों यहाँ सभी लोगों में जिसके डीओबी में या फिर जो भी उनके नाम वगैरह में या मीनिंग्स वगैरह में मिसमैच था, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उन लोगों को यहाँ पे एफिडेविट से काम चल जा रहा था और ये चलता ही है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है इन्होंने जो एफिडेविट यहाँ पे नहीं दिया था। इसके बाद में रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर, देखिए दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आप सीबीटी फर्स्ट आपका जो भी सीबीटी लगा था उसके अंदर एक आपका जो कॉलेटर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग में कुछ पैराग्राफ लिखना है, मतलब कॉपी करना ऊपर जो लिखा होता है आपकी राइटिंग जो है मैच की जाती है, तो वो आपको जो है स्मॉल लेटर में रनिंग में लिखना होता है, और यहाँ पे इस भाई ने जो है उसको कैपिटल लेटर में बदल दिया था, इस वजह से इसको यहाँ पे बाहर कर दिया गया। देख लीजिए दोस्तों कितनी छोटी सी गलती है जिसकी वजह से इस भाई को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, तो वो आप सभी को ध्यान रखना है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन आप जब भरो तो उसको जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं डालना है। इसके बाद में रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग सिग्नेचर मिसमैच, यहाँ पे राइटिंग इसकी भाई की मिसमैच हुई है और सिग्नेचर भी इनके मिसमैच हुई है। इसके बाद में रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कैपिटल लेटर, वही सेम चीज होगी, कैपिटल लेटर में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं भरना है। रिजेक्टेड ड्यू टू नॉट प्रोवाइडिंग वैलिड ईबीसी, देखिए दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैंडिडेट जो थे उनको यहाँ पे 250 रुपये की छूट मिल रही थी, जनरली कैंडिडेट के जो है 500 रुपये लग रहे थे और नॉर्मल जो ईबीसी था उसका 250 रुपये लग रहे थे, तो जिस भाई ने यहाँ पे 250 का फायदा लिया होगा ईबीसी को उन्होंने टिक किया होगा, और जब डीवी के टाइम में ईबीसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए होंगे उस वजह से इस भाई को यहाँ पे बाहर कर दिया। तो आप जो है जिस भी कैटेगरी में आते हो तो वो सही से भरिए, 250 रुपये के चक्कर में जो है इस भाई ने अपनी जो यहाँ पे जॉब गवा दी है। इसके बाद में दोस्तों रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर, तो ये देखिए कैपिटल लेटर वाली जो है गलती बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसको आप एकदम माइंड में बिठा लीजिए कि आप जब सेल्फ डिक्लेरेशन जो भरोगे उसको कैपिटल लेटर में नहीं भरना है। रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोवाइडिंग वैलिड ईबीसी, ये भाई ने फिर ईबीसी की वजह से बाहर हो गए यहाँ पे। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डीओबी मिसमैच, डीओबी मिसमैच इसकी वजह से। रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन सही से यहाँ पे भरनी है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देनी है, नहीं तो यहाँ पे आप एंड में जो है रिजेक्ट हो जाओगे। रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग ये सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हो गए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये एप्लीकेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन वाली गलती बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग राइटिंग मिसमैच हुई है, यहाँ पे राइटिंग और सिग्नेचर मिसमैच है, सेल्फ डिक्लेरेशन को कैपिटल लेटर में डाल दिया है, सेल्फ रिफ्यूज इन्होंने सेल्फ मतलब रिफ्यूज दिया कि ग्रुप डी की जो हमें नहीं करनी है। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डीओबी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में डीओबी, देखिए दोस्तों ये फिर डीओबी वाला जो है ये मेरे को कुछ जज नहीं रहा, यहाँ पे एफिडेविट से काम चल सकता था। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी ने गलत डाल दी होगी, ओबीसी वाला एससी एससी एसटी या जनरल वाला ओबीसी कुछ भी मतलब कम्युनिटी आपकी जो थी उन्हें डाल के कोई और कम्युनिटी अपने यहाँ पे डाल दी। रिजेक्टेड मिसमैच नेम मिसमैच हो गया आपके यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों नेम भी यहाँ पे आपका एफिडेविट लग सकता था, नेम मिसमैच में भी और नेम वगैरह स्पेलिंग वगैरह जाती है, तो इसमें आपका एफिडेविट से काम चल सकता था, हो सकता है एफिडेविट यहाँ पे नहीं दिया है, तो बाकी एक्सेप्ट तो सभी लोगों कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गलतियां थी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इन्होंने यहाँ पे एफिडेविट दिया नहीं होगा।
इसके बाद में रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच ऑफ डीओबी, ये भी डीओबी के लिए अपडेट चल सकता था। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी, कम्युनिटी की वजह से मिसमैच यहाँ हो गया। देखिए दोस्तों कम्युनिटी वाले में तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप ओबीसी में हो और आपने यहाँ पे फॉर्म में एससी डाल दिया, एससी डाल दिया तो आप जो है एससी एसटी की कट ऑफ क्लियर करके आपको वहाँ पे पास कर दिया जाएगा मेरिट में, तो फिर आगे जो है सारा कुछ यहाँ पे पंगा पड़ने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो आपको बाहर करना ही होता है अगर आपने कैटेगरी डाल दी तो आप जिस भी कैटेगरी में आप वही कैटेगरी पर डालें। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू सेल्फ डिक्लेरेशन वाली गलती फिर भाई नहीं की है। राइटिंग सिग्नेचर मिसमैच हो गए, रिजेक्टेड ड्यू कैपिटल सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करने आपको किसी को भी। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच ऑफ डीओबी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी आप अपडेट से काम चल सकता था। और इसके बाद में रिजेक्टेड टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में आपको नहीं भरना है, इन्होंने खुद ने रिफ्यूजल दे दिया है। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी, कम्युनिटी गलत डाल दी है। और ये सीसी वाले बहुत सारे छात्र हैं, इन्होंने जो है जो इनका प्रोड्यूसिंग रेलवे सीसी सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पाए हैं, और रिजेक्टेड ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग, तो इस वजह से इन लोगों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया। तो सीसी वाले बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हैं। रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर 12/4/2020, तो देखिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो इन्होंने जो है डिस्चार्ज की जो डेट थी 12/4/2019 से पहले वालों को यहाँ पे वैलिड माना गया था, तो इनकी जो है डिस्चार्ज डेट बात की थी इसलिए इनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। और रिजेक्टेड टू सिविल एम्प्लॉयमेंट नॉट कंसीडर, मतलब सिविल एम्प्लॉय था और उसने जो है एक्सर्विस में डाल दिया था फॉर्म में, इसलिए इसको एक्सर्विस कंसीडर ना करके इसको बाहर कर दिया गया। और यही जो है डेट वाली यहाँ पे इनको डिस्चार्ज डेट वाली, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर हुए हैं। और रिजेक्टेड ड्यू टू नो सबमिशन ऑफ एनओसी आफ्टर नोटिस, देखिए दोस्तों इनको नोटिस देने के बाद में भाइयों ने जो है एनओसी जारी यहाँ पे नहीं की थी, जैसे कि ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे थे और उसको छोड़ के यहाँ ग्रुप डी में आना चाह रहे थे, तो इनको यहाँ पे एनओसी देना होता था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये दे नहीं पाएंगे इसलिए इन लोगों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया होगा। और यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है दोस्तों कि ये जो है लोग वो जॉब छोड़ना ही नहीं चाह रहे, इसलिए वहाँ से एनओसी लाए नहीं और यहाँ पे ग्रुप डी से ऑटोमेटिक आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो एनओसी वाले बहुत सारे कैंडिडेट है। इसके बाद रिजेक्टेड है एज ओबीसी, तो इन्होंने जो है जैसे ओबीसी जो है ओबीसी में आते होंगे या फिर जो और किसी कैटेगरी आपने गलत डाल दी होगी या ओबीसी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे आपको बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 75 टोटल 75 कैंडिडेट है, बहुत बड़ी मात्रा में 75 कैंडिडेट है। और यहाँ पे अब 75 जो है इनको बाहर करने के बाद नए कैंडिडेट यहाँ पे उठाए जाएंगे, तो इससे जो कट ऑफ थोड़ी कम होना स्वाभाविक है। तो जिन भी लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उनको ढेर सारी बधाइयां, और इन भाइयों को जिन्होंने गलती की 75 कैंडिडेट को मैं कहना चाहूंगा कि आगे जो है आप किसी को गलती ना करें और जो है आप यहाँ पे मेहनत करें और आपका दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन, क्योंकि आप जो है कट ऑफ यहाँ पे आपने क्लियर कर रखी थी, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उनकी तैयारी कीजिए। और ये जो गलतियां की है चाहे न्यू एक्सपेरेंट्स हो या कोई भी हो, वो ये गलतियां कभी नहीं करनी है, सारी कुछ आप डिटेल से देख लीजिएगा। फॉर्म भरते टाइम बहुत पेनी जैसे आपको फॉर्म को सारा कुछ उसमें देखना है और सिग्नेचर वगैरह इनका ध्यान रखना है, पैराग्राफ का आपको ध्यान रखना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जब भरो तो उसका आपको ध्यान रखना है।